अकेले एक इंडियन थी फाइनल में, तो सारी सबकी उम्मीदें मेरे से ही थी। बहुत टेंशन भी था कि मतलब मैं सबकी उम्मीदों पे खड़ी हो पाऊंगी, बट जब मेरा हाथ उठा अनाउंसमेंट होने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, और एट द सेम टाइम मैं मतलब इमोशनल भी हो गई थी सर, कि फाइनली इतने साल बाद मेरा जो ड्रीम था अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना, वो मैंने पूरा किया। कितने देश के लोग पराजित किए? पांच बाउट हुई थी मेरी, पांच कंट्री के साथ। सबसे ज्यादा कठिन किसके साथ रहा? कठिन मतलब कठिन तो नहीं होंगे, मैं मतलब ज्यादा टेंशन फाइनल में था, क्योंकि एक फाइनल में पहुंचने के बाद ज्यादा और रहता है कि इसमें। वो तो क्रिकेट वाले भी 99 पे होते हैं तो सेंचुरी अटक जाती है उनकी। बाकी खेलों में काफी टेक्नोलॉजी आई है, इसमें कितनी टेक्नोलॉजी आई है? इसमें भी आई है सर, स्कोरिंग बदली है, पहले स्कोर अलग था, अभी 9-10 का स्कोर है, राउंड के बाद दिखाता है। और मनीषा का क्या हाल है? आपको देखिए और कैसा रहा मनीषा, बताइए अपना अनुभव। सर मेरा भी इंजरी के बाद ये टफ कॉम्पिटिशन रहा है मेरे लिए काफी, तो मैं भी अभी और मेहनत करनी है, अपने आप के ऊपर काम करना है सर। तो आप प्रवीण? सर मेरा मतलब फर्स्ट टाइम था सर ये मेजर कॉम्पिटिशन सीनियर में, मतलब फर्स्ट टाइम मैं खेल रही हूँ सर, और सर मेरी तो शुरू से ही टफ चली सर बाउट्स, बट सर ये था कि कुछ भी रिजल्ट मुझे अपना बेस्ट ही देना है सर। आप लोगों को क्या लगता है, हम लोगों के हमारे देश में जो हम ट्रेनिंग करते हैं खास करके आप लोगों के गेम के लिए, और ये बाहर से जो लोग ट्रेन होकर के आते हैं उनसे बातचीत तो होती होगी खेल के सिवा, तो उनका क्या आपके लिए एनालिसिस होता है और आप लोगों का उनके लिए क्या एनालिसिस होता है? जी सर हमारे इंडिया में बहुत टैलेंट है सर, देखा जाएगा तो जितना हमारे इंडिया में जितनी साल भर का कैंप लगता है ऐसे कोई कंट्री में इतना लंबा कैंप नहीं चलता है, हम साल भर ट्रेनिंग करते हैं, वो लोग करते नहीं है। बट एक चीज ये भी होता है कि डाइट का भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक एथलीट लाइफ में। आप तो बिल्कुल सामान्य परिवार के लोग हो, आपके पिताजी तो सऊदी में रहते थे पहले, अभी पूरी तरह आपके लिए लग गए हैं। परिवार में और कौन कौन है मनीषा? परिवार में सर बड़ी बहन है, उसकी शादी हो रखी है, और एक भाई है मेरे से बड़ा सर, वो पढ़ रहा है। तुम्हारा बेटा? मेरी मम्मी मतलब खेत का भी संभालते थे और भैंस रखते थे सर, तो उनका दूध वगैरह बेच के हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाते थे, सर को बोलती थी कि सर सर की स्टार्टिंग भी चाय से हुई और मेरी भी स्टार्टिंग चाय से ही हुई मतलब। अच्छा। फाइट से पहले चाय, फाइट के बाद चाय, अच्छा? चाय हाँ। सर की और मेरी एक तो ठीक है मतलब चाय चाय से शुरू हो गया सब कुछ। तो तुम्हारा बोलने के टोन में भी हरियाणा आ गया है। हरियाणा की एक विशेषता है हर चीज में वो मजाक कर सकते हैं। गुजराती आती है, अर्ज किया है काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, अरे जिंदगी तो हर कोई जीता है, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। वाह। तो आपको शेर शायरी का शौक है या? एक टाइम पे बहुत शौक था सर, बट अभी अभी बस एक जो मतलब एक ही लक्ष्य है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल। चलिए मेरी आपको बहुत शुभकामना है।